वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। इन 18 खिलाड़ियों को मिला मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच शुरू हो रही 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम के 18 सदस्यों का ऐलान हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया का कप्तान कौन होगा और कौन से 18 खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी भारत और वेस्ट इंडीज से जुड़ी हुई सीरीज की हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट के हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मुकाबलों की वनडे तो 3 मुकाबलों की T20 सीरीज खेली जानी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात की टीम इंडिया हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे पर बुरी तरह से हारी है, जहां पर टीम इंडिया को पहले टेस्ट और इसके बाद वनडे सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहां पर अब भारतीय टीम एक बार फिर वापसी के लिए तैयार है और सबसे अच्छी बात यह कि ये मुकाबले भारत में ही होने वाले हैं, जिसके चलते यहां पर वेस्ट इंडीज के ऊपर भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहेगा। वैसे आपको बता दें कि अब ये सभी मुकाबले जो पहले 6 शहरों में होने वाले थे, वो अब सिर्फ 2 ही शहरों में हो जाएंगे। यानी कि पूरी वनडे सीरीज अब अहमदाबाद में खेली जाएगी, तो वहीं पर पूरी T20 सीरीज अब कोलकाता में खेली जाएगी। 3-3 मुकाबलों की दोनों सीरीज हैं। वैसे आपको बता दें कि कोरोना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 6 से 20 फरवरी के बीच खेले जाने वाले मुकाबले अब सभी सिर्फ 2 ही ग्राउंड में खेले जाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं शेड्यूल और इसके बाद जानेंगे पूरी स्क्वाड। तो शेड्यूल की बात करें तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इसके बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 9 फरवरी को, यह भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। तो वहीं पर तीसरा व आखिरी मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा, यह भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा अहमदाबाद में। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर T20 सीरीज की, तो T20 सीरीज के सभी मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 16 फरवरी को खेला जाएगा, तो वहीं पर दूसरा मुकाबला 18 फरवरी को खेला जाएगा। इसके बाद तीसरा व आखिरी T20 मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा। तीनों मुकाबले ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे। इन मुकाबलों के हम समय की बात करें तो तीनों वनडे मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1 बजे खेले जाएंगे, जबकि तीनों T20 मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे शुरू होंगे। आप इन सभी मुकाबलों को हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट पर लाइव देख सकेंगे। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की वापसी। हिटमैन रोहित शर्मा इस सीरीज में भारतीय टीम को लीड करते हुए दिखेंगे। रोहित शर्मा की वापसी से टीम इंडिया काफी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को काफी शानदार तरीके से मैच जिताए थे और एक बार फिर इनकी वापसी से टीम इंडिया यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुंचेगी। यानी कि रोहित की वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइन तो काफ़ी सुधरेगी, साथ ही यहां पर कप्तानी में भी टीम इंडिया को एक बेहतरीन कप्तान का रोल निभाते हुए नजर आएंगे हमें रोहित शर्मा। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया के उपकप्तान रहने वाले हैं KL राहुल। हालांकि इनकी कप्तानी में टीम इंडिया कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी साउथ अफ्रीका में, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि रोहित के साथ ही अच्छी उपकप्तानी भी करेंगे। तो वहीं पर तीसरे खिलाड़ी के तौर पर हमें शिखर धवन खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी शानदार ओपनर बल्लेबाज हैं और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। वहीं पर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमें दिखेंगे विराट कोहली। विराट कोहली को यहाँ पर वनडे क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर हमें सुरेश अय्यर दिखेंगे, यानी कि टीम के 5वें खिलाड़ी सुरेश अय्यर होंगे। तो वहीं पर 6ठे खिलाड़ी के तौर पर हमें सूर्य कुमार यादव दिखने वाले हैं। वहीं पर टीम में 2 विकेट कीपर होने वाले हैं, जहाँ पर ऋषभ पंत और ईशान किशन का नाम आएगा। तो वहीं पर 9वें खिलाड़ी के तौर पर वेंकटेश अय्यर रहेंगे, तो 10वें खिलाड़ी रहेंगे रविचंद्रन अश्विन। 11वें खिलाड़ी होंगे रविंद्र जडेजा, तो 12वें खिलाड़ी होंगे यजवेंद्र चहल, जबकि 13वें खिलाड़ी के तौर पर सिराज को जगह मिलने वाली है। तो 14वें खिलाड़ी होंगे दीपक चहर, 15वें खिलाड़ी मोहम्मद शमी होंगे, तो 16वें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, तो 17वें खिलाड़ी के तौर पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे शार्दुल ठाकुर, जबकि 18वें खिलाड़ी टीम के रहने वाले हैं अक्षर पटेल। तो दोस्तों, टीम इंडिया की इस स्क्वाड को देखकर लग रहा है कि यहां पर टीम इंडिया वनडे में जबरदस्त वापसी करने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम की इस वनडे में कई सीनियर बल्लेबाज मौजूद है। जहाँ तक बात की जाए रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन और ऋषभ पंत, इन 5 खिलाड़ियों के पास काफी अच्छा खासा अनुभव है, जो कि इस सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गेंदबाजी में टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। तो वहीं पर इसके अलावा दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर जैसे युवा खिलाड़ी भी है, जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा ऑलराउंडर की हम बात करें तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर के साथ साथ एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन का नाम भी ऑलराउंडर में आता है, जो वनडे क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के ऊपर इस सीरीज में भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड के साथ आपको क्या लगता है, टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को अपने ही घर में हरा पाएगी भारतीय टीम या नहीं? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अपनी स्क्वाड भी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।